सो प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम जो है वो काफी एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स तक आ चुके हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिनके बारे में हम ये कहेंगे कि वैसे ये इतने एडवांस नहीं है, बट ये है कि जितने ऑर्गेनिज्म अभी तक हमने पढ़े हैं उनकी निस्बत ये ऑर्गेनिज्म जो है ये अच्छे खासे एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म हैं। और आप ये अंदाजा किससे लगाएंगे बेटा? ये अंदाजा आप लगाएंगे बाय द हेल्प ऑफ वन फॉर द वेरी फर्स्ट आई थिंक ग्रेट बायलेट्रिया से। सेकेंडली आप अंदाजा लगाएंगे इसका कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो चुके हैं, ठीक है। और फिर ये दोनों चीजें, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना तो पिछले वालों में भी था, ग्रेट बायलेट्रिया तो पिछले वालों में भी था, लेकिन जो चीज पिछले वालों में नहीं थी वो ये थी कि ये वो ए सिलोमेट से ये सूडो सिलोमेट से। और अब आपके सामने जो फाइलम का नाम है वो है एस हेलमिंस, ये दो वर्ड्स हैं एस और हेलमिंस। इसमें ASCS जो है इसका मतलब होता है राउंड, ठीक है। यहाँ पर वाजे तौर पर लिखा भी होगा लेकिन हम यहाँ पर इसके अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं, ASCS का मतलब है राउंड, ये राउंड वॉर्म्स है। हेलमिंस का मतलब मैंने आपको कल ही बता दिया था, हेलमिंस का मतलब वॉर्म होता है, तो ये राउंड वॉर्म्स है। और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज निमाटोड्स। निमाटोड इनको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। ये राउंड वॉर्म्स तो हैं लेकिन इसके अलावा इनका क्या फीचर है कि ये दरमियान में से तो थिक होंगे लेकिन अल्टीमेटली एंड पे जाकर ये जो है वो इनका जो एंड होता है वो पॉइंटी हो जाता है दोबारा, जैसे ये है ऐसे ये। और अब देखिए ये दोनों एंड्स जो हैं इनके वो पॉइंटी हो जाएंगे, ये आप जिस भी इस फाइलम के जिस भी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे उसमें ये फीचर आपको वाजे तौर पर नजर आएगा कि ये पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए बॉडी एंड साइज क्या है। बॉडी इज सूडोसिलोम, ठीक है। ये आपको पता है कि सूडोसिलोम का मतलब ये है कि इनकी बॉडी में एक ही बड़ा सारा, एक ही लार्ज पॉकेट होता है। और उसके बाद जो है वो जाहिर है ब्लास्टोसील, ब्लास्टोपोर, ये डेवलपमेंट, ये दोनों जो हैं ये एम्ब्रियोनिक पार्ट्स हैं, ये एम्ब्रियोनिक पार्ट्स हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक। अब आइए यहाँ पर के दे रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म टू द इंडिविजुअल दैट आर अप टू 1 मीटर इन लेंथ, मतलब माइक्रोस्कोपिक भी हैं और काफी बड़े सारे भी हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इनका? इट इज इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कनाल। अब इस पॉइंट पर आप फोकस करें, अगर आपको कल का टॉपिक याद हो तो हमने कहा था कि कल तक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो था सैक लाइक, और सैक लाइक जो है उसके हवाले से हमने कहा था कि उसकी कितनी ओपनिंग होती है, उसकी सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है। अब ये जो सिंगल ओपनिंग है इसके मुकाबले में जो दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम है एलिमेंट्री कनाल, इसकी टू ओपनिंग होती हैं, यानी एक जो है वो इनटेक की और एक इजेस्शन की, एक इंजेस्शन की और एक इजेस्शन की ओपनिंग होती है। तो एलिमेंट्री कनाल सिर्फ तब कहेंगे हम जब माउथ और एनस दोनों मौजूद होंगे, ठीक है। फ्लूइड फिल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कनाल व्हिच प्रोवाइड्स ट्यूब विद इन ट्यूब अपीयरेंस। इसको आप जो है वो कल वाली ही एग्जांपल से अगर आप दोबारा देखें, कल कल जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वही वाली एग्जांपल जो है वो हम रिपीट करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास एक बीकर हो और वो जो बीकर है उसके अंदर आप एक जो है वो किसी पाइप का टुकड़ा डाल दें और उस बीकर में पानी भरना शुरू कर दें, लेकिन वो पानी पाइप के अंदर ना जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो फ्लूइड होगा वो बाकी बॉडी में तो रहेगा लेकिन वो उस पाइप में नहीं जाएगा, उस पाइप के टुकड़े में नहीं जाएगा। उसकी डायग्राम हमने जो है वो यहाँ पर बनाई थी, इसको जो है वो हम क्लियरली समझते हैं कि वो डायग्राम या उससे मुराद क्या है, या ये है कि वो ये जो अभी हमने बात की है इसका मतलब क्या है। खैर वो डायग्राम मुझे मिल नहीं रही, मैं दोबारा बना देता हूँ। अब इसमें आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि ये जो है वो आपके पास एक अदद ट्यूब है। मैंने आपको कहा था कि ये आपका एक बीकर है, इस बीकर के अंदर जो है वो आप एक अदद पाइप का टुकड़ा रख देते हैं, कोई हॉलो पाइप का टुकड़ा रख देते हैं। ये पाइप का टुकड़ा आपने रखा, ठीक है, और उसके बाद आप इसमें जो है वो क्या भरना शुरू हो गए, आप इसमें भरना शुरू हो गए पानी। आपने इसमें पानी भरा और पानी आपने भर दिया यहां तक, लेकिन जो पानी है वो पाइप में मौजूद नहीं। अब अगर आप इस बीकर को ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से देखने पर ये बीकर इस तरह की अपीयरेंस देगा, ठीक है, इस तरह की अपीयरेंस देगा कि ये पाइप है, वो पाइप का टुकड़ा है और ये उसके इर्द गिर्द पानी है, पानी पाइप के अंदर नहीं है बस बीकर में भरा हुआ, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखिए कि यूं लग रहा है कि बाहर का एंड भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है और अंदर ये एक ट्यूब पड़ी हुई है, सेकेंड ट्यूब।
और पहली और दूसरी ट्यूब के दरमियान में जो है वो फ्लूइड भरा हुआ है। तो इसको उसने क्या कहा है, इसको उसने आपके बुक में कहा है ट्यूब विद इन ट्यूब। एक ट्यूब है उसके अंदर दूसरी ट्यूब, इसको उसने ट्यूब विद इन ट्यूब का कहा है। और कीजिए, ये आउटर लेयर, ये अंदर की डक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये माउथ है, ये एनस है, ठीक है। यहां से सारा फूड गुजरता है, गुजर के एंड तक आता है, ठीक हो गया। अब ये आउटर लेयर है, ये अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके दरमियान में फ्लूइड मौजूद है जिसको आप, इसकी वजह से आप इसको ट्यूब विद इन ट्यूब का नाम देते हैं। अब आ जाइए एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, टू लॉन्गिट्यूडिनली रनिंग कनाल्स। अब लॉन्गिट्यूडिनली रनिंग कनाल्स क्या है, लॉन्गिट्यूडिनली को आप कहते हैं अलोंग द लेंथ, लॉन्गिट्यूडिनली का मतलब होता है अलोंग द लेंथ, और अलोंग द लेंथ जो है वो ये कनाल्स मौजूद होती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। कहां पर है ये मैं आपको यहां मार्क करके दिखाता हूं। बेटा ये जो आपके सामने दो दो डक्ट्स हैं, ये इसकी एक्सक्रीटरी कनाल्स हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम से नीचे जो रेडिश कलर की जो ट्यूब है ये वाली, इससे नीचे ये जो दो डक्ट्स जा रही हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की डक्ट्स हैं, और ये डक्ट्स जो है ये लंबाई के रुख है, इसलिए इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनली रनिंग कनाल्स। उसके बाद आ जाइए नर्वस सिस्टम, नर्व रिंग। अब देखिए इनमें मैंने पिछले वालों में भी, पिछला जो ग्रुप था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन है वो बनना शुरू हो गया इससे पहले, पिछले ग्रुप से पिछले जो ऑर्गेनिज्म थे, खास तौर पे फाइलम जो था पोरीफेरा, और दूसरा फाइलम था नाइडेरिया जिसमें हाइड्रा आया था, जिसमें टेंटिकल्स थे, जिसमें स्टिंग था, वो जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें कोई ब्रेन नहीं था, उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर हम जब फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेसिस में आए थे तो उसमें हमने ये कहा था कि वहां पर ब्रेन सेफलाइजेशन शुरू हो गई है, ब्रेन बनना शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अब ब्रेन मजीद डेवलप हुआ है। नर्व रिंग जो है वो फेरिंक्स के इर्द गिर्द होती है। बेटा ये डायग्राम अगर आप देखें, ये फेरिंक्स है, ये वाली, ये फेरिंक्स है और उसके इर्द गिर्द ये नर्व रिंग मौजूद है, ये रिंग, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कि Giving rise to dorsal ventral and lateral ventral nerve cords, दो nerve cords होती हैं, ठीक है? Dorsal, dorsal lateral and ventral lateral, ये आएगा यहाँ पे। Dorsal ventral and lateral, मतलब ये कि एक nerve cord, ये सफेद कलर का धागा जो है ये इनकी nerve cord है, जैसे हमारी spinal cord है, इनकी ये nerve cord है, ठीक है? एक ये इनकी नर्व कॉर्ड है और एक ये इनकी नर्व कॉर्ड है। तो ये नर्व कॉर्ड जो है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड की तरह है, इनका काम भी वही है जो स्पाइनल कॉर्ड का है, यानी ब्रेन से मैसेज बॉडी तक लेकर जाना और बॉडी से मैसेज ब्रेन तक लेकर आना, ये इनका काम है। तो ये जो नर्व कॉर्ड्स हैं ये ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर मौजूद हैं। तो ये इनका नर्वस सिस्टम है, और खासा अब जो है ये तरक्की कर चुके हैं अपने नर्वस सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि जब आप इनसे पिछले ऑर्गेनिज्म में देखते हैं तो उनमें नर्वस सिस्टम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये वाले जो है इनमें नर्वस सिस्टम अच्छा खासा जबरदस्त डेवलप है। सेंस ऑर्गन्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेपिला प्रेजेंट ऑन द लिप्स। अब ये पेपिला क्या है, पेपिला जो है वो आप यहाँ पर, इनके यहाँ पर पेपिला मौजूद होते हैं, इन जगह, इन जगहों पर ऐसे, ये जस्ट लाइक वो जो जिसको आप कहते हैं, इनको हम छोटे होते कहा करते थे मूंछें, ये पेपिला होते हैं जो फ्रंट पे मौजूद होते हैं माउथ के करीब। गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है बेटा, जनरल बॉडी सरफेस। अब एक और बात पे गौर कीजिए कि इससे पहले आप क्या पढ़ रहे थे, मैं यहां पर आपको जो है वो एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देता हूं। एक कॉन्सेप्ट हम यहां पर डिस्कस करते हैं बेटा। इससे पहले आप क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले आप पढ़ रहे थे कि इसको कहते हैं कि हाँ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट आप पढ़ रहे थे। अब नर्वस सिस्टम जो है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था, नर्वस सिस्टम नॉट डेवलप्ड, खास तौर पे सीएनएस जो है वो डेवलप नहीं था किसमें, फाइलम नाइडेरिया में, ठीक है। अब ये तो एक प्रॉब्लम था, फाइलम नाइडेरिया में डेवलप नहीं था, लेकिन उसके बाद आगे जब आते गए आप तो नर्वस सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया किन में, उसके बाद आपको नजर आता है कि प्लैटीहेल्मिंथेस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आना शुरू हो गया। उसके बाद आपको पता लगता है कि अगला सिस्टम जिसमें तरक्की आई वो कौन सा था, वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बस जिसको आप कहते हैं कि अनस्पेशलाइज्ड, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं है बल्कि अनस्पेशलाइज्ड है, इनमें फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस में,
ठीक है, प्लेटीहेल मींस में जो है ये अनस्पेशलाइज्ड है। अच्छा, लेकिन अब आइए, जो आपने बात की कि ये स्पेशलाइज्ड है, यानी काफी अच्छे तरीके से ये जो है वो काफी अच्छा नर्व एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है किसमें, जो अब आप पढ़े हैं, और वो कौन सा है, वो है फाइलम एस्केल्मिन्स। इनमें इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बड़ा अच्छा डेवलप्ड है, लेकिन अभी तक एक सिस्टम जो आपको डेवलप नहीं मिला ना किसी भी फाइलम में, किसी भी फाइलम में ये सिस्टम अभी तक मौजूद नहीं है बेटा, और वो कौन सा सिस्टम है, और से सुनिएगा, वो सिस्टम है गैशियस एक्सचेंज, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिहाज से अभी तक कोई एक फाइलम ऐसा नहीं है कि जो डेवलप्ड हो। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सिर्फ बॉडी सरफेस से गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, इनके अंदर कोई ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं है जैसे हम में होते हैं, लंग्स वगैरह, लंग्स हैं या गिल्स वगैरह हैं जिनके जरिए हम सांस लेते हैं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि अभी डेवलप होने से रहती है। नर्वस सिस्टम भी डेवलप हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डेवलप हो गया, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ। अब आ गया ये लोकोमोशन। लोकोमोशन में इनकी मूवमेंट होती है अनड्यूलेटिंग मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट बाय रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल। ऐसे मूव करते हैं इनकी बॉडी सरफेस, ऐसे मूव करती है, इसको आप कहते हैं अनड्यूलेटिंग वेव, वेव लाइक मूवमेंट होती है। मसल्स चार तरह के होते हैं, टू डॉर्सोलेटरल एंड टू वेंट्रोलेटरल। अब ये क्या चीजें हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले अगला पढ़ लेते हैं फिर इस पे आते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सेस सेपरेट है, हर्मेफ्रोडाइट नहीं है ये, ठीक है, जिस तरह हमने अभी तक हर्मेफ्रोडाइट्स का जिक्र किया है वो नहीं है ये, इनके सेक्सेस सेपरेट है। मेल फीमेल गोनेट्स आर प्रेजेंट एंड हेंस रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल होती है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने आपको अभी कहा कि इनके मसल्स जो है वो बैंड्स में होते हैं, टू डॉर्सोलेटरल एंड टू वेंट्रोलेटरल। डॉर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल क्या चीजें हैं, इसके लिए पहले हम जो है ये ऑर्गेनिज्म ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये क्या है, ये पॉइंटेड एंड्स वाला ऑर्गेनिज्म है, ज्यादा पॉइंटेड एंड्स जो है इस टॉपिक के शुरू में ही पॉइंटेड एंड्स लिखा हुआ, तो पहले तो आप पॉइंटेड एंड्स बनाए। उसके बाद इसकी बॉडी का एक हिस्सा जो है वो मैग्निफाई करते हैं, इसका हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, इतना हिस्सा नहीं बल्कि इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जैसे हम कह रहे जी इतना इतना हिस्सा, यहां से यहां तक के हिस्से का हम जो है वो क्रॉस सेक्शन लेते हैं और इसको देखते हैं। ये देखिए बॉडी का इतना हिस्सा हम देख रहे हैं, यहां से ये बॉडी का पूरा हिस्सा हम यहां से देखते हैं। वो कहता है जी चार तरह के मसल्स हैं, ठीक है, टू डॉर्सोलेटरल। ले बेटा अब यहां पर आपका इम्तिहान है, डॉर्सो का क्या मतलब है, डॉर्सल कौन सी साइड होती है, सर जो स्काई फेसिंग होती है। जी शाबाश, स्काई फेसिंग। लेटरल का मतलब है अलोंग द लेंथ। तो दो टाइप के मसल ऐसे होते हैं जो मौजूद होते हैं इधर ऐसे, इन मसल्स को आप कहेंगे डॉर्सोलेटरल, ये डॉर्सोलेटरल, ठीक है। और दूसरी साइड होती है वेंट्रल, जो ग्राउंड फेसिंग होती है, ये नीचे मौजूद होते हैं यहां पर ऐसे, ये जो मसल्स हैं ये वेंट्रोलेटरल, वेंट्रोलेटरल। तो ये आपके सामने जो मसल्स मौजूद हैं इनकी वजह से जो मूवमेंट क्रिएट होती है ये राउंड वॉर्म्स की, वो ऐसे क्रिएट होती है, वेव लाइक होती है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं अनड्यूलेटिंग वेव लाइक मूवमेंट, ठीक है। तो ये मूवमेंट इनमें होती है। आगे देख लेते हैं इस टॉपिक में हमने मजीद क्या पढ़ना है, एस्केल्मिन्स, बस यही पढ़ना है, अगले फाइलम पे चलते हैं। नेक्स्ट फाइलम आ जाता है बेटा आपका ले जी। अब अगला जो स्पेशलाइज फीचर आ गया वो क्या है, अब ये सिलोमेट्स आ गए, क्योंकि अभी तक आप पढ़ रहे थे सूडो सिलोमेट्स, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर सिलोमेट्स आ गए हैं। और ये जो फाइलम अब आप पढ़ने लगे हैं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट फाइलम, वन ऑफ द बेस्ट फाइलम है ये। लेकिन इनमें जो सबसे बेस्ट फाइलम है, मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट है, इनमें जो सबसे बेहतरीन फाइलम है वो अभी नहीं है, लेकिन ये फाइलम जो है ये वन ऑफ द बेस्ट है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको आप कहते हैं फाइलम एनेलिडा, और एनेलिड का मतलब होता है रिंग्स, इनकी बॉडी पर रिंग्स बने होते हैं। तो लेट्स डिस्कस इनकी बॉडी की शेप को, अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं इनकी बॉडी की शेप में एनेलिड्स या
ये जो हमने नाम दिया हुआ है कि एनलिड का मतलब लिटिल रिंग्स हैं, इसका क्या मतलब है? सो लेट्स हैव अ डिस्कशन हियर। यहाँ पर जो है वो आपके पास ये आपका जो है वो एनलिडा में लिटिल रिंग्स का क्या मतलब है बेटा? एनलिडा का एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको आप कहते हैं अर्थवॉर्म, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म जो है ये, इसको आप पंजाबी में गंडोया भी कहते हैं, जो गौरतलब बात है बेटा वो ये है कि इसकी बॉडी के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इसकी बॉडी के ऊपर जो है वो इस तरह से आपको रिंग्स नजर आते हैं, ये रिंग्स नजर आते हैं इसके ऊपर। इन रिंग्स की वजह से आप ये जो है आपके पास, इसकी वजह से आप इसको क्या कहते हैं? एनलिड्स, ठीक है। और ये जो एक एक रिंग है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको इस एक रिंग को भी मैग्नीफाई करके दिखा दूँ बेटा। ये जो हर दो रिंग है ना, चले मैं एक ना सही दो रिंग को मैग्नीफाई करके आपको दिखाता हूँ, दो रिंग्स को, ये यहाँ से लेकर और इतना रिंग, ठीक है। इसको अगर मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, ये दूसरा रिंग है। जो गौरतलब बात है ना बेटा वो ये है कि यहाँ पर जो रिंग्स हैं, हर रिंग जो है, या अच्छा इन रिंग्स को वैसे आप रिंग्स नहीं कहते, साइंटिफिकली इस एक रिंग को आप कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है एनलिड्स का असल मतलब होगा सेगमेंटेड, यानी बॉडी के छोटे छोटे पोर्शंस बने हुए हैं। सेगमेंट का मतलब होता है पोर्शंस, तो ये एक सेगमेंट है, ठीक है। अब गौर कीजिए कि ये हर सेगमेंट जो है वो एक वॉल के जरिए सेपरेट है, और इस वॉल को क्या कहते हैं आप? सेप्टम कहते हैं, ठीक है। और हाँ चले वो बात हम बाद में करते हैं, लेकिन इस वजह से, इन सेगमेंट्स की वजह से आप इनको क्या कहते हैं? आप इनको एनलिड्स कहते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? देखो यहाँ पर जो है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का वर्ड आ गया बेटा। ये जो सेगमेंट्स है ना, ऑल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट में तमाम ऑर्गन्स मौजूद हैं। यानी ऐसा नहीं है, गौरतलब बात है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सेगमेंट किसी ऑर्गन से खाली है। हर सेगमेंट में नर्व भी है, हर सेगमेंट से डाइजेस्टिव सिस्टम भी गुजर रहा है, हर सेगमेंट में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, हर सेगमेंट के अंदर गैसियस एक्सचेंज भी हो रहा है। यानी हर सेगमेंट में अलग अलग पूरा पूरा सिस्टम मौजूद है। जब हर सेगमेंट में पूरा पूरा सिस्टम मौजूद होता है तो ऐसे सेगमेंट को आप क्या कहते हैं? ऐसे सेगमेंट को आप कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंट। मेटामेरिक सेगमेंट का मतलब ये है कि हर सेगमेंट में पूरा पूरा सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। यानी यहां से वो डाइजेशन भी कर सकता है इसी एक सेगमेंट से, यहीं से वो रेस्पिरेशन भी कर सकता है इसी एक सेगमेंट से, वो एक्सक्रीशन भी, यानी कि आपका जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इधर ही मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से इसी में सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपको मिल जाएगा, इसी के अंदर आपको नर्वस सिस्टम भी मिल जाएगा। तो ये जब एक ही सेगमेंट में इतने सिस्टम जमा हो जाएं तो उसको आप कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अच्छा जी, जो इनकी बॉडी होती है उनके अंदर सेगमेंट्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इंटरनली दीज सेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय ईच अदर थ्रू सेप्टम। ये मैंने आपको यहाँ बताया कि सेप्टम होती है इनके दरमियान में, इनके दरमियान में वॉल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट्स हैं, प्रॉपर पॉकेट्स हैं इनकी बॉडी में, और बायलेटरल सिमेट्री है इनके अंदर, ट्रू सिलोमर, ये बात पहले हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए डाइजेस्टिव सिस्टम। ये विसरल और पेरिटल लेयर्स क्या है, ये भी अब गौरतलब बात है, इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं बेटा। मीजोडर्म जो होती है ना, ये जो सिलोम होती है, इसमें मीजोडर्म दो तरह से कवर कर रही होती है। देखिए ये विसरल पार्ट है, यहां पर देखिए ये जो दरमियान में है, ये क्योंकि विसरल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द, और विसरल ऑर्गन्स कौन से होते हैं बेटा? ये जो हमारी बॉडी के दरमियान में मौजूद है ना, हमारे सीने में और हमारे एब्डोमिनल रीजन में जितने ऑर्गन्स हैं इनको विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। तो विसरल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द भी मीजोडर्म मौजूद होती है,
और पेरिटल ऑर्गन्स यानी कि उसके अलावा जो ऑर्गन्स है साइड्स पर, इनके इर्द गिर्द भी मीजोडर्म मौजूद होती है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि मीजोडर्म दरमियान के ऑर्गन्स के इर्द गिर्द भी हो और साइड के ऑर्गन्स के इर्द गिर्द भी, तो इसको विसरल कहते हैं, इसको पेरिटल कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट जी, उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया टू ओपनिंग्स है, और ये देखिए अब और मजीद एक्स्ट्रा आ गया, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अब देखिए यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफरेंस, ये अब एक बड़ी ही एक और इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। यहां पर आप कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिलिडा कंपेयर टू प्रीवियस फाइला, प्रीवियस फाइला। अब ये क्या है डिफरेंस? डिफरेंस ये है बेटा कि जो प्रीवियस फाइला है उनमें सिंगल लॉन्ग ट्यूब होती थी, सिंगल लॉन्ग ट्यूब विद नो सेपरेट कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स अब इनमें नहीं होते, जबकि आप इसकी बात करें, जब एनिलिडा की बात करें तो इनमें क्या होता है, इनमें एलिमेंट्री कनाल है, एलिमेंट्री कनाल, और जो जरूरी बात है वो क्या है, डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स अपने अपने फंक्शन के अदवार से, जैसे इनमें एसोफेगस भी है, एसोफेगस, फिर उसके बाद इनके अंदर स्टमक भी है, फिर इनके अंदर इंटेस्टाइन वाला जो है वो सिस्टम भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये, इससे पहले किसी भी फाइलम में इतने सिस्टम्स अलग अलग मौजूद नहीं थे जो इनमें मौजूद हैं, लिहाजा इनको आप कहेंगे कि ये ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। ये देखिए सामने ही आगे लिखा हुआ है, ईच परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, इनके अंदर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। पैरासिटिक स्पीशीज में डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली डेवलप होता है। जी बेटा क्या बताया था मैंने कल कि डाइजेस्टिव सिस्टम पैरासिटिक स्पीशीज में क्यों पुअरली डेवलप होगा? चलें कोई बात नहीं, इसमें इसका इसकी वजह यह थी बेटा कि क्योंकि पैरासिटिक स्पीशीज जो हैं वो अपने होस्ट से फूड लेती हैं और होस्ट पहले ही फूड को डाइजेस्ट कर चुका होता है, लिहाजा इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं होती कि ये फूड को डाइजेस्ट करें, होस्ट से डाइजेस्टेड फूड, पका पकाया खाना जिसको आप कहते हैं वो ले लेते हैं। अच्छा जी, माउथ ओवर हंग बाय, माउथ इनका जो है उसके आगे एक सेगमेंट एक्स्ट्रा होता है। अब इस डायग्राम को आप देखिएगा आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए ये सारे सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट, ये सारे सेगमेंट है। जो माउथ है वो इस सेगमेंट में है, इस सेगमेंट में माउथ है, और जो वन सेगमेंट जो है, एक सेगमेंट वो माउथ से भी आगे चला गया, ठीक है, एक सेगमेंट जो है वो, व्हेन वन सेगमेंट इज प्रेजेंट अहेड ऑफ माउथ, माउथ से आगे है, ऑफ माउथ, जब ऐसा हो तो फिर आप क्या कहते हैं, वो सेगमेंट, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड एज प्रोटोस्टोमिया। उस सेगमेंट को, जैसे मैं अब आपको इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूं, हाथी है, हाथी की सूंड उसके मुंह को कवर कर रही होती है, ठीक है, तो ये प्रोबोसिस, इसकी सूंड जो है वो प्रोबोसिस कहलाती है, लेकिन इसकी भी इसके माउथ को कवर कर रही है, वो भी सूंड लाइक है, लेकिन इसकी सूंड को आप क्या कह रहे हैं, प्रोटोस्टोमियम का नाम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अच्छा जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज नेफ्रिडिया। अच्छा, नेफ्रिडिया जो है बेटा, इसमें एक वर्ड होता है नेफ्रोस, और नेफ्रोस का मतलब ही क्या होता है, किडनी।
नेफ्रॉस का मतलब ही किडनी होता है, ठीक है। तो नेफ्रॉस इनमें ये काफी ज्यादा जो है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है इनमें पिछलों से ज्यादा। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है, पिछलों से अच्छा है, सिंपल ब्रेन मौजूद है, डबल लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल दो लॉन्गिट्यूडनल लंबाई के वेंट्रल नीचे की तरफ, ठीक है। यानी कि इनको अगर आप इसको बनाएं, ये जो आपने बनाया अभी एनेलिडा, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एनेलिडा, ठीक है, तो डबल होती है और एक जो है वो ऊपर से गुजर रही होती है नर्व कॉर्ड और एक नीचे से गुजर रही होती है। तो इसको नर्व कॉर्ड को आप क्या कहते हैं, डॉर्सल, और इसको आप कहते हैं वेंट्रल। दो नर्व कॉर्ड जो है वो यहां पर गुजर रही होती है जी। उसके बाद जो है वो रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी भी एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी भी डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कम ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट है। और उसके बाद रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है, ये जो दो है ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, लीच, जोंक, ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। कुछ एनिमल्स हैं ऐसे जैसे नेरीज है, इनमें सेक्सेस सेपरेट होती है। अब नेरीज की डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ बनी हुई है। ये रहा नेरीज, इसमें सेक्सेस सेपरेट होती है, अर्थवॉर्म और लीच इनमें सेक्सेस जो है वो मतलब ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ट्रोकोफोर लार्वा। अब ये ट्रोकोफोर लार्वा क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लार्वा क्या होता है, उसके बाद आपको बताऊंगा ट्रोकोफोर क्या होता है, ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले तो सुनिए लार्वा क्या है बेटा। लार्वा एक डेवलपमेंटल स्टेज है, डेवलपमेंटल स्टेज। और डेवलपमेंटल स्टेज जो है ये कैसी डेवलपमेंटल स्टेज है कि जिसमें जब पहले एग बनता है, एग के बाद डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, वो जिनमें इनवर्टिब्रेट्स एंड सम वर्टिब्रेट्स, बहुत कुछ वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें लार्वा जो है वो बनता है, और सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें लार्वा बनता है। एग होता है ना, एग, एग जब एक दफा हैच हो जाता है ना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में फौरी तौर पे जो अगला ऑब्जेक्ट बनता है वो लार्वा होता है, ठीक है। और लार्वा सम टाइम नॉन लोकोमोटरी होता है, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, नॉन लोकोमोटरी। लेकिन अगर लार्वा जो है वो लोकोमोशन कर सकता हो, यानी हरकत कर सकता हो, मूव कर सकता हो, हिलजुल सकता हो, तो ऐसे लार्वा को आप क्या कहते हैं, ऐसे लार्वा को आप कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। यानी कि वो हरकत कर सकता है, हिलजुल कर सकता है, मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अब आइए लोकोमोशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोकोमोशन इनमें मौजूद है। अब गौर कीजिएगा फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन अब जाहिर है जो भी ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है ना, उसमें दो चीजें जरूरी है, एक स्केलेटन, दूसरा मसल्स, ठीक है। आपको अगर अपने आप को लोकोमोट करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है, लोकोमोट का मतलब होता है जब आप अपनी लोकेशन चेंज कर रहे होते, चेंजिंग द लोकेशन, इसको आप कहते हैं लोकोमोशन, ठीक है। अब ये जो लोकोमोशन होती है, इसके लिए आपको मसल्स की जरूरत लाजमी होती है, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि एनेलिड्स के पास कैसे कौन से मसल्स होते हैं कि जिसके जरिए जो है एनेलिड मूव करते हैं। यहां से एक मिनट जरा वेट कीजिएगा इसको हम। थोड़ा सा अब यहां पर जो है वो जो मैं आपको बता रहा था कि जो एनेलिड्स हैं उनके अंदर किस तरह की मूवमेंट होती है, मसल्स कैसे कैसे मौजूद होते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से सेगमेंट बनाकर दिखाता हूँ। ये दो सेगमेंट्स हैं, ठीक है, एक सेगमेंट ये रहा और एक सेगमेंट जो है वो यहाँ पे इसके आ रही है। ये, ठीक है, इन सेगमेंट्स में जाहिर है बाकी तमाम ऑर्गन्स के साथ साथ मसल्स भी मौजूद हैं। तो मसल्स कौन से मौजूद हैं गौर कीजिए बेटा, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सर्कुलर मसल्स भी हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं। सर्कुलर कौन से हैं, सर्कुलर वो होते हैं जो जाहिर सी बात है कि बॉडी के अंदर इस तरह से मसल्स होते हैं,
तरह से, ये सर्कुलर है। और लॉन्गिट्यूडनल मसल कौन से हैं? वो वाले मसल बैंड्स जो कि लंबाई के रूप मौजूद होंगे। अच्छा, एक चीज जो है वो मैं अब आपको यहां से यहां पे आपसे शेयर करता हूं कि हाउ डू मसल्स एक्ट, मसल्स एक्ट कैसे करते हैं। बेटा मसल का एक्ट करने का तरीका ये है कि अगर ये एक मसल है ना पूरा, ये एक पूरा मसल है, तो इस एक मसल में दो तरह के मूवमेंट्स होंगे। एक मूवमेंट होगी कॉन्ट्रैक्शन और दूसरी मूवमेंट होगी रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ये होता है कि कोई भी मसल अपने ओरिजिनल साइज से कम हो जाए, यानी अगर एक मसल ऐसे है तो वो छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा और छोटा हो जाएगा, तो इसको आप कहेंगे कि ये मसल इस टाइम जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, और ये जो स्टेज है ये कौन सी है, ये रिलैक्स्ड स्टेट है। इसका मतलब यह है कि मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो अंदर की तरफ खींचेगा, अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। इट वुड शॉर्टन टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ शॉर्टन होगा। अब इससे आप अंदाजा कीजिए कि ये जो मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स जो हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपने सेंटर की तरफ आएंगे, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपने सेंटर की तरफ आएंगे। अब जरा गौर कीजिएगा कि जिस टाइम पे ये जो मैंने ये जो गोल बनाए हैं इनको मैं आपको बता देता हूं, ये सर्कुलर हैं, ये सर्कुलर हैं, और ये जाहिर है कौन से हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल। अब गौर कीजिएगा, जिस टाइम पे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो आपका सेगमेंट होगा वो पिचकने वाली सूरत हाल में आ जाएगा, ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि सर्कुलर मसल ऊपर से नीचे को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो ये किस हालत में आ जाएगा, ये बिल्कुल पतली हालत में आ जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा। ठीक है, जब ये एक दफा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो सेगमेंट होगा वो लेंथ में बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी जो होगी जो उसकी मोटाई होगी वो कम हो जाएगी, वो पिचकी हुई सूरत हाल में आ जाएगा। तो इसको आप कहते हैं सर्कुलर मसल की मूवमेंट। लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या होंगे? लॉन्गिट्यूडनल मसल बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसे इस तरह। ठीक है, इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से जो आपका सेगमेंट होगा वो फूल जाएगा लेकिन छोटा हो जाएगा, वहां क्या हो गया, लंबा हो गया, लेकिन यहां पर मसल जो है वो छोटा हो जाएगा लेकिन वो स्वेल कर जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आप गौर कीजिए, इसका मतलब ये है कि एक सेगमेंट पतला और लंबा हुआ, ये एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट भी पतला और लंबा हुआ है, फिर उसके बाद तीसरा सेगमेंट भी पतला और लंबा हुआ है। इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या होगा, जो बाकी सेगमेंट है वो छोटे लेकिन स्वेल हुए हैं, इसको जरा थोड़ा सा पिछले वाले को मजीद स्वेल कर देते हैं, ये अब वाजे तौर पर नजर आ रहा है आपको कि ये जो तीन सेगमेंट हैं इसमें जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं वो सर्कुलर हैं, और ये जो तीन सेगमेंट हैं इनमें जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल है। अब यहां पर जो वेव बनेगी वो ऐसे होगी, ऐसे आगे जाके फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह की मूवमेंट बनेगी। तो यहां पर आप देखिए, लोकोमोशन इज अ वेरी स्पेशल फिनोमिना व्हेन सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट दे इलोंगेट द बॉडी एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल वाइडन द बॉडी। काइटिनस कीटा और सीटा, इनके पास पैर भी होते हैं, हर सेगमेंट में पैर भी होते हैं, ऐसे ये जमीन में इन पैरों को गाड़ के चलते हैं, ऐसे इनको आप कहते हैं सीटा, जमीन में पैरों को गाड़ के चलते हैं, इनको सीटा कहते हैं। और पैरापोडिया प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल हेल्पिंग मूविंग द बॉडी फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो इनकी मूवमेंट होती है। ठीक है, तो अब आ जाइए यहाँ, यहाँ तक तो आपका जो है वो फाइलम एनेलिडा, ये इनकी इसके डायग्राम है, ये पैरापोडिया है आपके सामने। ठीक है,
उसके बाद अर्थ्रोपोडा आ जाता है, लेकिन देख लेते हैं आपने एनालिडा में मजीद क्या पढ़ना है। बस ठीक है, एनालिडा में इतना ही पढ़ना है, अब आगे चलते हैं अर्थ्रोपोडा। मैं क्लास जो है ये मैं घंटे की ले रहा हूँ, उसे आप लोगों की आज कोई क्लास नहीं थी बायो की, तो आज हम जो है उसको एक घंटे तक एक्सपेंड करेंगे। ले जी, अब यहाँ पर जो अगला फाइलम है, बाकी किधर चले गए, जरा दानियाल को मैसेज करो। दानियाल को मैसेज करके ना उसको कहो कि सर बुला रहे हैं, सर कह रहे हैं कि कोशिश करो आ जाओ, क्योंकि सिग्नल्स का इशू तो आ रहा था, लेकिन चले उसको कहें कि कोशिश करें कि वापस आ जाए। ओके सर। अच्छा जी, अब आइए नेक्स्ट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। अब ऑर्थ्रोपोडा जो ये एक ऐसा फाइलम है जिसके बारे में अगर आप ये कह देते हैं, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, इस फाइलम के बारे में अगर आप ये कह देते हैं कि दिस इज द किंग फाइलम ऑफ ऑल इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा, इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब ये होता है कि उनकी बैकबोन नहीं होती, उनको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो दिस फाइलम इज द किंग ऑफ ऑल इनवर्टिब्रेट फाइलम। ये जो फाइलम है इसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है उनकी कोई इंतहा नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात जो इनमें सबसे स्पेशलाइज्ड फीचर है वो क्या है, वो ये है कि इनके अंदर फीट होते हैं। बेटा ऑर्थो का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है जॉइंट्स, और पोडा फीट, इनके अंदर जॉइंटेड फीट होते हैं। और जो जॉइंटेड फीट होते हैं वो इनको स्विफ्ट मूवमेंट में, बहुत तेज हरकत करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो जॉइंटेड फीट होते हैं वो इनको लेग बेंडिंग करने में भी हेल्प करते हैं, ये अपनी लेग्स को बेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि जॉइंट्स है ना, जॉइंट्स की वजह से बेंडिंग भी पॉसिबल होती है, तो जॉइंटेड फीट इनमें होते हैं, ठीक है। ये कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, हमारे इतने जितने इस तरह से ऑर्गेनिज्म है आप बड़ी आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको ऑर्थ्रोपोडा नजर आ जाते हैं। इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड है, ठीक है। लेकिन अब अगली बात आ जाती है, जरा एक दफा हम जो है वो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें बोर्ड को, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो भाई, अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पर आपको इनके हवाले से जो अभी अभी मैंने आपको बात बताई कि इनके अंदर जो है वो सेगमेंट्स मौजूद हैं, यानी अभी बात आई दे हैव सेगमेंट्स, लेकिन इनकी बॉडी में वो वाली सेगमेंटेशन नहीं है। इट इज दीज आर नॉट मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं होते, मतलब इनकी बॉडी में हर सेगमेंट एक दूसरे से सेपरेट नहीं होता। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच जो है उसकी जो बॉडी होती है वो दरमियान में से, बेशक उसके अंदर सेगमेंट मौजूद है, ये जो है वो कॉकरोच है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ये उसकी बॉडी है, ये छोटी सी उसकी एब्डोमिन होती है, ऐसे एब्डोमिन होती है, और आगे जो है वो हेड मौजूद होता है,
जो हेड मौजूद है, आप इसको कॉकरोच कह लीजिए, आप इसको चूटी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अब यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर ऐसे सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन अंदर से इन सेगमेंट्स के दरमियान में कोई सेप्टम नहीं होती। इनके सेगमेंट सारे के सारे जो है वो अंदर से मिले हुए होते हैं। सेगमेंट्स आर अटैच्ड टू वन अनदर बाय मॉडिफाइड क्यूटिकल और दे पोजेस जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेज का मतलब बाजू या टांगे, ये जो अपेंडेज का वर्ड आया ना, इसका मतलब बाजू या टांगे होता है, ठीक है। तो इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होती है, ये बात पहले ही हो चुकी है। सम आर वॉर्म लाइक, कुछ सुंडियों की तरह की शेप के हैं, वॉर्म लाइक है, उनको मायरियापोडा कहते हैं, और बाकी जो है वो फ्लाई उड़ने वाले इंसेक्ट्स। Flying insects have three major regions: head, thorax, abdomen. बेटा इसके हवाले से आप अगर ये वाली डायग्राम ही देख लीजिए तो ये इसका हेड है, ठीक है, ये थॉरेक्स है और ये जो है वो एब्डोमेन है। तीन रीजन होते हैं बॉडी के। उसके बाद आ जाइए जी, बॉडी इज कवर्ड विद थिक क्यूटिकल। इनकी बॉडी के ऊपर वैक्स की लेयर होती है, ठीक है, थिक क्यूटिकल या वैक्सी क्यूटिकल मौजूद होती है जो कि इनको डिहाइड्रेशन से बचाती है। वैक्सी क्यूटिकल वैक्स की बनी भी होती है, लिहाजा ये इनको डिहाइड्रेशन से बचाती है, सूरज की तेज रोशनी से बचाती है और ड्राई सीजन से बचाती है। तो वैक्स की बड़ी थिक क्यूटिकल मौजूद होती है। सिलोम बड़ी सारी मौजूद होती है, एक बड़ी सारी सिलोम मौजूद होती है जिसको हीमोसील कहा जाता है, ठीक है, तो सिलोम इनमें भी है। इन्वायरमेंट और हैबिटेट क्या है? अच्छा, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि आप दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं ये ऑर्गेनिज्म लाजमी मौजूद होंगे। ये ऑर्गेनिज्म ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया का कोई खत्ता ऐसा हो कि जहां पर ये ऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो, ठीक है। तो ये जो है वो हर जगह मौजूद है, इवन पानी में भी है, एक्वाटिक स्पीशीज भी है। यानी आप अगर आप इसको जो है वो ऑर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो इनमें आप टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट की बात भी कर लें तो टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में एवरी हैबिटेट, यानी गर्मी सर्दी जो भी हैबिटेट है वो इन्होंने एक्सप्लॉइट किया हुआ है, यूज किया हुआ है। और उसके साथ साथ एक्वाटिक, एक्वाटिक में भी मौजूद हैं। एक्वाटिक में आपके सामने जो है वो दो तरह के ऑर्गेनिज्म और दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर। और ये मैरीन और फ्रेश वाटर जो है ये दोनों तरह के एनवायरनमेंट्स में मौजूद होते हैं, क्या, ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ दीज स्पीशीज कैन फ्लाई। एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से इनके अंदर एलिमेंट्री का नाम मौजूद होती है, यानी टू ओपनिंग होती है, ठीक है। और फिर वही बात, इनकी बॉडी में भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मुराद है कि इनके भी अलग अलग एसोफेगस स्टमक वगैरह इनके अंदर भी बने हुए होते हैं। फूड इज स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें हर्बीवोरी भी होती है, ठीक है, और कार्निवोरी भी होती है, दोनों तरह से जो है वो इनमें मौजूद होते हैं। और हर्बीवोरी उसके लिहाज से आप इनको कह लीजिए, और हर्बीवोरी, कार्निवोरी और इवन इंसेक्ट्स के अंदर ओमनीवोरी भी होती है। ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इसमें ओमनीवोरी भी मौजूद होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मालफीजियन ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद है। ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं मालफीजियन ट्यूब्यूल्स, इंशाल्लाह सेकंड ईयर में हम पढ़ेंगे। मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो है ये मौजूद होते हैं इनके अंदर, और ये बड़े ही स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए, इसको आप कहते हैं कि एक्सक्रीशन के लिए बड़े स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स काउंट होते हैं मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। उसके बाद आ जाइए, नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड एज सॉल्ट यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के फॉर्म में, ह्यूमन यूरिया के फॉर्म में रिलीज करता है, ठीक है, ये यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। नर्वस सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो जी हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और बहुत से आर्थ्रोपोड्स ऐसे भी हैं कि जिनको आप सुधार सकते हैं, जिनको आप सिखा सकते हैं, जिनको आप बहुत सा काम सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका नर्वस सिस्टम इस लिहाज से, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म कुछ सीख सकता है इसका मतलब है उसका नर्वस सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, तो इनका नर्वस सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो पेयर्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया मतलब, गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया का मतलब भी समझ लीजिए बेटा। गैंग्लिया होता है क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। यानी ऐसे जैसे ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, फिर ये दूसरा न्यूरॉन है,
यहां से ये तीसरा न्यूरॉन है, ये चौथा न्यूरॉन है। अब ये जो क्लस्टर बन रहा है सेल बॉडीज का, इसको आप कहते हैं गैंग्लिया, ये पूरा गैंग्लियॉन। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए कनेक्टेड टू वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड। अब वेंट्रल नीचे की साइड होती है, ग्राउंड फेसिंग, तो दो नर्व कॉर्ड्स हैं और वेंट्रल है। एवरी सेगमेंट पोजेसेस अ सेपरेट गैंग्लिया, हर सेगमेंट में अलग अलग गैंग्लियॉन होता है। सेंसरी ऑर्गन्स बड़े जबरदस्त होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जो सेंस करने के लिए होते हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं इनके अंदर, और वेल डेवलप्ड होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए गैशियस एक्सचेंज। ले जी, अब ये आपको यहाँ पर अंदाजा होगा कि मैं इनको इतना ज्यादा स्पेशलाइज्ड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये अब इन पूरे जितने इनवर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर ये वाहिद फाइलम ऐसा है कि जिसमें क्या मौजूद है, गैशियस एक्सचेंज का सिस्टम मौजूद है। ठीक है, एक्सटेंसिव ट्रेकियल सिस्टम होता है। ट्रेकियल सिस्टम क्या होता है, एक दफा आपको जो है वो मैं ये भी बनाकर दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो अज्यूम कर लीजिए कि आप के कॉकरोच की डायग्राम जो है वो हम यहाँ पर बनाते हैं। ये जो है वो हेड हेड है, उसके बाद ये थॉरिक्स है। अच्छा, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बाय द वे ये आपके 13th चैप्टर में भी मौजूद है, ये इसकी एब्डोमिन है। ठीक है, ये एब्डोमिन है और इसकी बॉडी के अंदर इस तरह से लंग्स तो नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर जो है वो इस तरह से पाइपिंग सिस्टम मौजूद है, ऐसे दरमियान में से ये जो है वो ऐसे है, और ये पाइपिंग सिस्टम मौजूद है, ये यहां नीचे तक आ रहा है, इसको आप कहते हैं ट्रेकियल सिस्टम। इनके अंदर ये ट्रेकियल सिस्टम मौजूद होता है, और ये जो ट्रेकियल सिस्टम है ये ट्रेकियल सिस्टम है, छोटी छोटी डक्ट्स जा रही हैं, इसको आप ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं। इस पूरे को ट्रेकियल सिस्टम का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये इनके अंदर ट्रेकियल सिस्टम मौजूद होता है जिसके जरिए ये सांस लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स रिस्पायर थ्रू गिल्स एंड लंग्स। अच्छा, ये देखिए इनमें बड़ा जबरदस्त फीचर है कि सिर्फ ट्रेकियल सिस्टम नहीं है बल्कि एक्वेटिक जो होते हैं उनके अंदर गिल्स और लंग्स भी मौजूद होते हैं। जैसे एक्वेटिक कौन से होते हैं, एक्वेटिक में मैं आपको बता दूंगा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, अभी यहाँ पीछे बात आई थी ना, तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में आप अभी मिसाल ले लीजिए, जैसे श्रिम्प्स हैं, जैसे प्रॉन्स हैं, जैसे क्रैब है, ये सारे के सारे एक्वेटिक हैं और इनमें लंग्स और गिल्स हैं रेस्पायर करने के लिए, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, ये हम पढ़ चुके हैं। याद होगा आपको जो हमने डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने कॉकरोच का वो पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। तो इनमें ओपन होता है, ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, प्रिमिटिव हार्ट है इनके अंदर, और ब्लड जो है वो कलरलेस है। इनके ब्लड को हीमोग्लोबिन नहीं कहा जाता, इनके ब्लड को आप हीमोलिम्फ कहते हैं। इसीलिए आपको जो है वो कॉकरोच मारने पर कोई ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर रेड कलर का ब्लड नहीं होता, इनके अंदर व्हाइट कलर का जो है वो एक फ्लूइड होता है। इसके बाद आ जाइए जी स्केलेटन। स्केलेटन इनका बाहर की तरफ होता है। अब यहाँ पर एक और ये बात भी समझ लीजिए कि दो टाइप्स के स्केलेटन होते हैं। अगर आप हार्ड स्केलेटन की बात करें, सॉफ्ट स्केलेटन और चीज है, उसको छोड़ दें। हार्ड स्केलेटन की बात करें तो एक होता है इनसाइड द मसल्स। जो इनसाइड द मसल्स होता है, इसको आप कहते हैं एंडोस्केलेटन। ये हमारा है, ये वाला स्केलेटन हमारा है। ठीक है, दूसरा स्केलेटन होता है आउटसाइड द मसल्स, जिसमें मसल्स अंदर होते हैं लेकिन स्केलेटन बाहर होता है, इसको आप कहते हैं आउटसाइड द मसल्स, इसको एक्सोस्केलेटन। तो इनका जो स्केलेटन होता है वो हमेशा हमेशा आर्थ्रोपोड का स्केलेटन जो है वो मसल से बाहर होगा, मसल से अंदर नहीं हो सकता। इसमें काइटिन होता है और काइटिन आर्थ्रोपोड सॉरी काइटिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और
ये जाहिर है स्केलेटन के जरिए डिफरेंट लेग्स वगैरह ज्वाइंट होते हैं। लोकोमोशन कैसे है जी, एक्टिव और स्विफ्ट मूवमेंट होती है, ज्यादातर स्विमिंग, क्रॉलिंग, फ्लाइंग सब कुछ इनमें मौजूद होता है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। ठीक है, तो इनमें ये तमाम तरह की जो मूवमेंट है ये मौजूद है, एक्टिव एंड स्विफ्ट मूवमेंट। इसके बाद देखिए, अब आपने जो इसमें मजीद पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस, उसमें देखिएगा मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ये भी हम अब यहाँ पे बुक से देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस क्या है। ये देखिए बेटा, ये ध्यान में रखिएगा अपने के ये जो आर्थ्रोपोडा है, ये मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ आपने उतना ही पढ़ना है। ठीक है, ये मेटामॉर्फोसिस शामिल है, क्लासिफिकेशन शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये तमाम क्लासेस जब गुजर जाती है तो उनकी जनरल ऑर्गेनाइजेशन है ये भी शामिल है। ये ध्यान से आपने टॉपिक पे निशान लगाना। अब यहाँ पर देखिएगा इनकी जो मेटामॉर्फोसिस है, मेटामॉर्फोसिस के हवाले से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि मेटामॉर्फोसिस क्या चीज है, क्योंकि ऐसे मेटामॉर्फोसिस समझना जो है वो वहां पर वो मुश्किल हो जाएगा। मेटामॉर्फोसिस वो स्टेज है जिसमें ये जो आर्थ्रोपोड होते हैं, ये आर्थ्रोपोड ये क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्वियसली ये एग लेइंग करते हैं। थोड़ी बहुत डेवलपमेंट जो है वो पार्शियल डेवलपमेंट वो हो जाती है, किसमें पार्शियल डेवलपमेंट हो जाती है, एग में। एग ले करने के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट एग जब हैच होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एग जब हैच होता है तो उसमें से जो चीज निकलती है उसको आप कहते हैं लार्वा। ठीक है, ये विग्रस ईटर होता है, ये बहुत ज्यादा खाता है, ये विग्रस ईटर होता है। बहुत ज्यादा खाने के बाद ये चला जाता है एक स्लीप स्टेज में, स्लीप स्टेज में जाता है, और इस स्लीप स्टेज को आप कहते हैं प्यूपा। अब जो रिमेनिंग डेवलपमेंट है वो इस स्टेज में होती है, रिमेनिंग डेवलपमेंट इस स्टेज में होती है, और प्यूपा के बाद जब प्यूपा डेवलप हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, एडल्ट होता है। ये जो पूरा सिलसिला है इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, इसको आप मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस जो है इसमें मेटा का मतलब होता है चेंजिंग, मेटा का मतलब होता है चेंजिंग, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, और ओसिस का मतलब होता है लाइफस्टाइल, शेप चेंजिंग लाइफस्टाइल, यानी कि इनकी जो शेप है वो मुस्तकिलन चेंज होती रहती है, ये मुस्तकिल अपनी शेप को चेंज करते हैं स्टेजेस के साथ साथ, एग लार्वा प्यूपा ऑर्डर, तो इसको आप मेटामॉर्फोसिस कहते हैं या डेफिनेशन ये लिखी हुई है। दिस इज एन एब्रप्ट चेंज ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। The egg, the three morphologically distinct stages, the egg finally develop into larva, convert into motionless pupa, then finally develops into an adult. होता क्या है कि sometime pupa के बाद यहाँ पर एक कोई problem अगर आ जाए तो adult नहीं बनता, अगर problem आ जाए तो adult नहीं बनता, उस वो बनता है immature adult। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो अडल्ट नहीं बनता बनता बल्कि इमैच्योर अडल्ट बनता है, और इसको आप कहते हैं इंस्टार, इसको आप इंस्टार का नाम देते हैं साइंटिफिकली। ठीक है, अब आ जाइए बेटा इसकी क्लास वो क्लासिफिकेशन कह रहा हूं, इसकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर। क्लासिफिकेशन नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है बेटा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में दो ही तरह की इंपॉर्टेंस है, और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस के अतबार से ये जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों। पहला है हार्मफुल इंसेक्ट्स। अब एक बात याद रखिए कि इंसेक्ट, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ आइडिया दे देता हूँ, आर्थ्रोपोडा जो है ना वो सारे इंसेक्ट नहीं होते, आर्थ्रोपोडा में सिर्फ वो इंसेक्ट होते हैं जिनकी सिक्स लेग्स होती हैं बस, उसके अलावा अगर आप बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर्स की, तो स्पाइडर्स बायोलॉजी के मुताबिक इंसेक्ट नहीं है, इनका जो ग्रुप होता है वो अरेक्निड होता है। स्पाइडर्स की एट लेग्स होती हैं, ये इंसेक्ट नहीं है, इसे में रखिए। ठीक है, तो हार्मफुल इंसेक्ट्स की यहां बात हो रही है। उसके अलावा जो पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स होते हैं
उनको आप और नाम देते हैं, वो इंसेक्ट भी नहीं होते, अरेक्निड भी नहीं होते, जो पानी में रहने वाले होते हैं उनको आप नाम देते हैं क्रस्टेशियंस। ये एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स है जिसमें क्रैब्स आ जाते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का सिर्फ आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ये क्या क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है। और फिर एक और तरह के होते हैं, उनको आप और नाम देते हैं, उनको खैर छोड़ दीजिए वो इतना, क्योंकि वो आम तौर पे हमें नजर भी नहीं आते, लिहाजा उनको मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। लेकिन ये तीन जो हैंगे, क्योंकि हम जानते होते हैं। अच्छा, जो इंसेक्ट्स हैं जाहिर सी बात है उनमें बहुत से हार्मफुल भी हैं। अच्छा, ये जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं ना, हार्मफुल हार्मफुल इंसेक्ट्स, इनको हम पेस्ट भी कहते हैं। और पेस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो ह्यूमन से तीन चीजों में कंपीट करे। पेस्ट हमेशा कंपटीशन करता है ह्यूमन से तीन चीजों में। नंबर वन हेल्थ, नंबर टू शेल्टर, और नंबर थ्री फूड। आप देख लीजिए हमारे जितने हार्मफुल इंसेक्ट हमारे इर्द गिर्द हैं, वो या हमारे घर को खराब करते हैं जैसे दीमक है, या हमारे फूड को खराब करते हैं जैसे फ्लाइज हैं, या हमारी जो है वो हेल्थ को खराब करते हैं जैसे मच्छर है या टिक्स हैं, छोटे 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 कीड़े हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह से हमें तंग कर सकते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज, फ्लाइज, फ्लीज, लाइस एंड बग्स ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। वी आर फेमिलियर विद द मॉस्किटो, एनोफ्लीज, और अब तो हमें जो है वो सिर्फ एनोफ्लीज का नहीं पता, बल्कि अब तो हमें एडीज का भी पता है। एडीज जो कि डेंगी का मच्छर, डेंगी को लेकर आने वाला मच्छर है, वो भी इसी में आता है। उसके बाद आ जाइए कॉजेज मलेरिया इन मैन, द सीसी फ्लाई, आपने 7th चैप्टर में पढ़ा था, और ये असल में सीसी नहीं है, मैंने आप लोगों को गलत बताया, ये सेट सी है, SETSE। अफ्रीका में होती है और ये जाहिर नुकसान पहुंचाती है, ट्राइपैनोसोमा, और हमें स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। फिर कॉमन हाउस फ्लाई बड़े बड़ा मसला करती है, हमारा सारा फूड खराब कर देती है, एक जगह से उठाती है बैक्टीरिया को हमारे फूड पे आके फेंक देती है, अब वो बैक्टीरिया हमारा फूड का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ले एग्स ऑन फ्रूट्स। अब ये जो अक्सर फ्रूट्स में से सुनिया निकलती है, क्या होता है, ये मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स आके अंडे दे जाते हैं, जब वो अंडे दे देते हैं तो वहां पे उसके अंदर और कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए, सच एज शुगर के मेज, बेड़ा गर्क कर देते हैं उसका, उसके ऊपर अंडे देके। फिर लॉकस्ट, लॉकस्ट जिसको आप आपके 2020 में भी आपके मुल्क पे इसका अटैक हुआ था, जिसको टड्डी दल का नाम भी देते हैं, ये लॉकस्ट होता है, ये हमारे फसलों का बेड़ा गर्क कर देता है, ये क्रॉप्स पे अटैक करता है और बेड़ा गर्क कर देता है उसको। ठीक है, तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के हवाले से हनी भी बहुत बेनिफिशियल है, हमें बहुत फायदा होता है उसका। फिर सिल्क वॉर्म है जिससे हम रेशम लेते हैं, सिल्क लेते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे जो बड़े ही फायदेमंद है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसेक्ट होता है इसको हम लेडी बग कहते हैं, लेडी बग, और इसको अल्लामिया की गाय भी कहा जाता है, ये बड़ा फायदेमंद है। फिर इसके अलावा ये जो हॉर्नेट होता है, हॉर्नेट ये वैसे तो नुकसानदेह होता है, वास्प जिसको कहते हैं, ये वैसे तो नुकसानदेह होता है, इसको उर्दू में भीड़ भी कहते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत से तंग करने वाले इंसेक्ट्स को खा जाता है, कार्निवोरस होता है, हमें बड़ा फायदा पहुंचाता है। Some insects are scavengers. Scavengers dead animals को खाते हैं। तो जो scavengers होते हैं, ये जब dead animals को खाते हैं ना, तो ये हमारे इर्द-गिर्द बहुत सी सफाई कर रहे होते हैं। Dead animals eating करते हैं, dead animal eating scavengers, जैसे cockroach है। Cockroach scavenger है। ये क्या करता है? ये dead animals खाता है और हमारे इर्द-गिर्द खासी सफाई कर देता है ये ना। तो इस हवाले से ये बड़ा फायदेमंद है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हार्मफुल इंसेक्ट और बेनिफिशियल इंसेक्ट, ये लाजमन देख आप जो है उसे में रखिएगा। ठीक बेटा, कोई सवाल? ना सर, समझ आ रही है जरा? जी सर, आ रही है थोड़ी 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 कम।